सोम भाई तो आज जंगल में मंकी की निकल आई क्या? दाढ़ी। आज तो जंगल में हंगामा हो गया। सुबह को उठते ही मंकी हाथ लगाया अपने चेहरे पे मुंह धोने के लिए, और भाई साहब ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी मूछ है। बोला यार ये क्या हो गया, इंसानों वाली चीज़ मेरे अंदर कैसे आ गई? हालांकि एक मिनट इधर आ जाओ, हम इंसान इंसान बनने से पहले बंदर थे, पता है ना तुझे? क्या लग गया बे? हाँ पता है ना, इंसान इंसान होने से पहले बंदर थे बंदर। तो फाइनली बंदर को दाढ़ी आ गई तो वो अजीब हो गया। अब वो भागा भाई, भागा 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 भागा, रास्ते में उसको मिल गया भाई अपना दोस्त डोंकी। और डोंकी जो था हमेशा की तरह इंटेलिजेंट बातें, ब्रैकेट में गधे वाली बातें, ब्रैकेट बंद। हाँ तो डोंकी जो है उसको देख के हंसने लगा। मंकी ने बोला क्यों हंस रहा है बे, हैं गधे? गधा बोला गधा ही तो हूँ, तो तू मेरे को गधा बोलेगा तो मेरे को क्या बोले? ऐसे करके हंसने लगा। बताओ, गधा बोला यार भाई तूने क्या किया ऐसा कि तेरी ये दाढ़ी और मूछें इंसानों की तरह आ गई, अब तो तू बंदर भी नहीं, बंदर वाला जानवर लग रहा है। मंकी बोला डोंकी तू डोंकी रहेगा और गधे तू गधे जैसी ही बातें करेगा। बताओ बताओ, अब मैं जानवर की तरह लग रहा हूँ तो पहले मैं क्या था दोस्त? हैं दोस्त, पहले मैं क्या था? वे गधे कुछ भी बोलता है। निकल गई निकल गई, अभी डाएंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना। तू जान अपना काम कर, गधापनी कर, गधापनी जा। गुस्से में चला मंकी आगे, भागता क्या भागता, रो रैबिट रैबिट रैबिट। रास्ते में आया, गधे को रोका, गधे को बोला भाई भाई भाई, गधे को नहीं सॉरी मंकी को रोका, क्योंकि मंकी की दाढ़ी मुझसे निकली थी, मंकी भाग रहा था और मंकी को रोकने के लिए रैबिट ने उसको रोका। ओ भाई ओ दोस्त, ये क्या लेके घूम रहा है, कौन सा नया मेकअप किया है तूने? मंकी ने बोला यार रैबिट भाई मैं सुबह को उठाऊँ ये मेरी दाढ़ी निकली, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे को करना क्या चाहिए। रैबिट बोला मैं वाइट कलर का, थोड़ी मेरे को दे दे मैं भी लगाऊंगा। मंकी बोला बड़ा सेल्फिश रैबिट है यार तू, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तेरे को अपनी दाढ़ी की पड़ी है, जब लगेगी ना तब पता चलेगा अच्छी नहीं लगती है। हाँ, अभी थोड़ी सी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, काम की बात करना दोस्त। ले 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 निकाल ले, तेरे पास है कुछ निकाल ले जा। रैबिट भाग गया। क्या करता, छोटा था चिन्ना था वाइट सा भाई, भाग गया। फिर मंकी पहुंचा सीधा अपने, सीधा सीधा डायरेक्ट अपने दोस्त एलिफेंट के पास। दरवाज़ा खोलते ही एलिफेंट डर गया और लेटा हुआ था खड़ा हो गया। भाई ये कौन सा जानवर आया है? पर अचानक से जब एलिफेंट खड़ा हुआ तो क्या होता है, हमारी चींटी जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देती है, क्योंकि एलिफेंट ऐसे होता है ऐसे ऐसे करके खड़ा होता है, तो वो चींटी तो भाई संभाल, ओ भाई ओ रे अरे भाई ओ ढम। फाइनली चींटी नीचे गिर गई, गलती से चींटी के ऊपर हाथी का पैर ना पड़े इसलिए चींटी भागी, सीधा चढ़ गई मंकी के ऊपर। मंकी के ऊपर चढ़ गई तो हाथी को तो दिख नहीं थी, भले हाथी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती है पर नहीं दिखी उसको। अब चींटी क्या हुआ, जब मंकी के ऊपर चढ़ गई तो वो उधर जो उसकी दाढ़ी थी ना उसके अंदर घुस गई। अब ब्लैक कलर की दाढ़ी के अंदर वो छोटी सी चींची घुस गई तो दिखेगी किसको? एलिफेंट बोला यार बहुत देर हो गया, चींटी ने मेरे को काटा नहीं और ये अजीब सा जानवर कौन है, पहले तो इससे पूछो। ओ भाई तू है कौन, लग तो तू मेरे दोस्त की तरह रहा है। मंकी ने जैसे ही मुंह खोला, अरे भाई मैं तेरा दोस्त ही हूँ, ये दाढ़ी मेरे को सुबह को ऐसे ही निकल आई, क्या करूँ मैं इसका? तब जाके एलिफेंट समझा, बे यार डरा दिया तूने, चींटी देख रही है तू, ऐसे ऐसे करके देखने लगा तो भाई चींटी का द्वता बता ही नहीं। उधर मंकी को चींटी काट रही, मंकी दाढ़ी को ऐसे ऐसे कर रहा है, मंकी को क्या लग रहा है कि उसकी दाढ़ी में खुजली हो रही है, पर एक्चुअली वो चींटी है जो उसको काट रही है बोलने के लिए कि भाई मेरी तो बात सुनो मैं इधर हूँ, तुम उधर ढूंढ रहे हो मैं इधर हूँ। एलिफेंट फिर पूछे, अरे चींटी किधर गई, नीचे उतर गई क्या? उधर वो एलिफेंट वो इधर चींटी मंकी को काटा। मंकी यार ये क्या है यार, बोल रहा यार हाथी छोड़ चींटी को यार, मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ। तो एलिफेंट बोला अरे ये चींटी बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छा सो। अरे चींटी किधर है भाई, तू दिख नहीं रही, काट तो सही, किधर है, कौन से पार्ट पे बैठी है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर उसने मंकी को काटा तो मंकी फिर यार इस दाढ़ी की तो मैं क्या करूँ, उसको काटे जाए काटे जाए काट, उसको लगे दाढ़ी।
फाइनली चींटी ने देखा कि भाई ये तो काटने के बाद और उंगलियां घुसेड़ रहा है, तो मैं तो निपट लूंगी, मतलब मेरे को तो ख़त्म ही कर देगा ये। तो वो गई उसके कान तक और कान पे जाके बोला, ये बंदर दाढ़ी वाले। मंकी हिल गया, अरे भाई, ओ भाई, तेरी फ्रेंड की आत्मा हो गई, घूम रही है भूत बन के। एलिफेंट बोला, क्या क्या बोल रहा है? बोला, अबे मेरे को आवाज़ आई उसकी। हाथी बोला, यार मेरे बॉडी के ऊपर कहीं होगी, तेरे को भी फालतू की सोचती, अरे चींटी काटना भाई जल्दी। तो फिर चींटी ने मंकी की आवाज़ में बोला, अरे आत्मा। फिर चींटी को टिंग टिंग बेल बजी, बोली इसको डराते हैं। चींटी ने मंकी के कान में जाके कहा, मैं भूत हूँ। ओ भाई, मंकी जो भागा इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। चिट्टी अपनी दाढ़ी के ऐसे पकड़ के खड़े रहे, पूरा हिल रही थी। पर जैसे तैसे मंकी को एलिफेंट ने सूंड से रोका, बोला, क्या हुआ बे, बोल तो सही। बोला, यार चींटी का भूत घूम रहा है, वो मेरे कान में आके बोल रही है मैं भूत हूँ, तूने उसको मार दिया है कहीं, तेरे पैर वैर के नीचे आके मर गई है वो। तो एलिफेंट को एक सेकंड के लिए तो लगा पॉसिबल है, क्योंकि इतनी छोटी सी चिंचड़ी चिंचड़ी है, कहीं पे भी पैर लगेगा तो गई ना ख़त्म। पर यार मैं उठा भी तो एकदम से झटके से ना, सब तेरी गलती है बंदर, तू ऐसे आया, मैं डर गया, मैं उठा और वो गिर गई होगी और मेरा पैर लग गया होगा, मर गई होगी और वो तेरी तेरे ऊपर अभी भूत बन रही, क्योंकि तेरी गलती। हाँ यही हुआ है, यही हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। हाथी ने बंदर को समझाया, तू जाया, मैं डर गया, मैं उठा, वो गिर गई होगी और मैंने ध्यान नहीं दिया होगा और मेरा पैर उसके ऊपर चला गया होगा, मर गई होगी, उसको पता है कि मेरी वजह से नहीं मरी, वो तेरी वजह से मरी है, इसके लिए अब उसका भूत तेरे पास है। चींटी सब सुन रही थी, सब। अब आया चींटी को और मज़ा, चींटी ने मंकी के कान में जाके बोला, जो हाथी बोल रहा है वो सच है, मैं भूत हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। मंकी के पसीने 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 हो गए। बोला, यार भाई बचा यार मेरे को, चींटी सॉरी बोलता हूँ मैं तेरे को, सॉरी बोलता हूँ, सॉरी सॉरी बोलता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, नहीं करूँगा मैं ऐसे, मेरी गलती है, मेरे को दाढ़ी ने परेशान कर दिया, मैं तो अपने दोस्त के पास जाऊँगा, ये करो वो करो वो करो। इतनी देर में चींटी ने धीरे 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 उतर के एलिफेंट के ऊपर चढ़ी और एलिफेंट के कान में जाके बोली, दोस्त मैं इधर ही हूँ, इसके मैं मज़े ले रही हूँ। एलिफेंट समझ गया और ज़ोर से हंसने लगा। मंकी उधर रो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, और एलिफेंट जो उसका दोस्त है वो हंस रहा है। तो मंकी को खटका, बोला, भाई तू क्यों हंस रहा है? अब एलिफेंट बोल रहा है, और ले बेटा, मेरी दोस्त को मारा ना तूने, अभी भुगत भुगत बेटा भुगत। एलिफेंट जैसे ही बोला ना खुश होके, तो मंकी को कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि दो दोस्त होते हैं ना अपने, एक दोस्त को जानते हैं कि क्या यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या कुछ है। तो मंकी समझ गया कि भाई साहब ये लोग मिलके मेरे साथ मज़े कर रहे हैं। तो उसने मंकी ने बोला कि देख दोस्त, आज तो एक चींटी को मारा है, कल अगर मेरे को ऐसी 10 चींटियाँ मिलेंगी ना तो मैं मचल दूंगा उसको। ऐसा बोलते ही चींटी की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ऐसे तेज़ हो गया, उसने हाथी को जोर से काटा, बोला, इस बंदर को बोल दे भूत मार देगा। एलिफेंट ने भी बिना सोचे समझे बोल दिया, ए चींटी बोल रही है, बंदर तेरे को मार देगी। मंकी हा, आया ना ऊंट पा, मेरा मतलब है हाथी पहाड़ के नीचे। मेरे को पता था चींटी मेरे मज़े ले रही है, मेरे मज़े ले रही है, तुम लोग मेरे मज़े ले रहे हो, चलो अभी छोड़ो, मेरे को पता है, ठीक है, जो मज़े लिए ले लिए, अब मेरे को बताओ इसका क्या करना है। बाय। एलिफेंट ने बोला, देख भाई सिंपल है, अपन चलते हैं किसके पास? फॉक्स के पास, फॉक्स बताएगा कि इसका क्या करना है, ठीक है। बोला, यार तू हर बार फॉक्स के पास फॉक्स। बोला, तो भाई तेरी प्रॉब्लम ही ऐसी है, रख ना दाढ़ी, अच्छा लगता है तू। चींटी भी बोली, हाँ अच्छा लगता है तू। बोला, नहीं नहीं यार, चल एक बार चलते हैं फॉक्स के पास, ढंग करके ढंग, फॉक्स की एंट्री होती है, फॉक्स को सटाक सटाक सटाक, मंकी सब बताते। फॉक्स बोलता है, देख भाई तू जाता रहता है शहर में, सिंपल है, बनाना लेके जा 4-5, और वहाँ पर लोग बाल काटते हैं, उनको जाके बनाना दे और उनको ऐसे ऐसे कर, खलास काट देंगे तेरे भी, सिंपल है। बोला, इतना सिंपल है? हाँ। बनाना तो लिया, पर जैसे ही शहर की तरफ जाने लगा भाई, मंकी की बत्ती वापस जली,
बोले अच्छा ऐसे ऐसे करूं और वो काट देंगे, पता चला यही काट दिया तो भाई छोड़ना यार, दाढ़ी के साथ ही रहते हैं। और मंकी दाढ़ी के साथ ही रहना शुरू किया। स्टोरी।